upon Brother Abraham to explain to us all the second word of God. अभी मैं आगे बुलाऊंगी भाई अब्राहम को कि हमें वो दूसरा परमेश्वर का वचन समझाएं। That Jesus spoke from the cross. जो यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर से कहे थे। Luke 23:34. लूका रचित समाचार 23 अध्याय 34 वचन। I request to send stories to interpret for him. Open the eyes so that we see the wonders in this world. प्रभु हमारी आंखों को खोलना ताकि हम अद्भुत चीजें इस वचनों में देख पाए। यीशु के नाम से आमीन। ये दूसरे वचन थे जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर से कहे थे। समाचार 23 अध्याय 34 वचन। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। जब यीशु मसीह क्रूसित हुए थे, वो पूरी तरह से पीड़ा में थे और बहुत सी यातनाएं सह रहे थे। Under the great pain and suffering, the crucified people used to shout, scream and curse others. और जब लोगों को क्रूस पर चढ़ाया जाता था तो वो लोग जो चढ़ाए जाते थे वो बहुत ज्यादा तकलीफ और यातना सहते हुए वो श्राप देते थे, चिल्लाते थे और रोते थे। और जो लोग क्रूस पर चढ़ाए जाते थे और जिन्हें वो चढ़ाते थे वो लोगों को वो श्राप देते थे। But our Lord Jesus was basically enduring the pain and suffering. लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर सारी यातनाओं को धीरज के साथ सह रहे थे। Not only that, he was even praying to the Father to forgive those who were responsible for his crucifixion. और इतना ही नहीं, वो क्रूस पर से पिता की ओर प्रार्थना कर रहे थे कि जिन लोगों ने उन्हें क्रूस पर चढ़ाया था उन्हें वो क्षमा कर दे। Sometimes when I spoke to people of other religion about Jesus, और कभी कभी जब हम दूसरे धर्म के लोगों को यीशु के बारे में बताते हैं, they reply that there is no forgiveness of sins in their religion. और वो लोग कहते हैं कि उनके धर्म में ऐसा कुछ भी नहीं होता कि पाप के लिए क्षमा की जाए। The false God they believe in has no power to forgive sins. और वो जो झूठे परमेश्वरों पर वो विश्वास करते हैं उनके पास कोई ताकत नहीं होती कि वो पापों को क्षमा करे। But 1 John 2:2 says, Jesus Christ, the righteous one, is the atoning sacrifice for our sins. लेकिन पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय दूसरा वचन कहता है, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। Yes, he not only for our sins he died, but also for the sins of the whole world. हाँ, सिर्फ हमारे ही पापों के लिए नहीं लेकिन सारे जगत के पापों के लिए यीशु मसीह मरे। Lord Jesus forgave the disciple Peter who denied him 3 times the previous night. और प्रभु यीशु मसीह ने उनके चेले यानी कि पतरस को क्षमा कर दिया जिसने उनका इनकार किया 3 बार पिछली ही रात। Jesus knew who will deny him and who will betray him before and only. और यीशु मसीह को पहले से ही पता था कि कौन उन्हें धोखा देगा और कौन उनका विश्वासघात करेगा। Peter got a wonderful revelation that Jesus is the Christ, the Son of the living God. और पतरस के पास पास बहुत ही बड़ा ऐसा प्रकटीकरण उसे मिला था कि यीशु मसीह ही मसीहा है और वही परमेश्वर के इकलौते पुत्र। He had so much faith that he walked on the sea with Jesus. और वो इतना ज्यादा आशीषित था कि वो यीशु मसीह के साथ समुद्र के ऊपर चला। Yes, Jesus predicted that Peter will deny him 3 times. और फिर भी यीशु मसीह को पहले से ही पता था कि पतरस उनका इनकार करेगा 3 बार। And when it happened, Peter remembered his word and wept bitterly. और जब ऐसा हुआ तो पतरस को प्रभु यीशु के वचन याद आए और वो बुरी तरह से रोने लगा। And he wept, he was forgiven by the Lord. और जब वो रोया तब प्रभु के द्वारा उसे क्षमा मिली। Once I read a story written by a believer. और एक बार मैंने कहानी पढ़ी थी एक विश्वासी के द्वारा लिखी हुई। When our Lord Jesus was growing as a boy, और जब यीशु मसीह एक लड़के के रूप में बढ़ रहे थे,
There are some children in the neighborhood. और पड़ोस में ही कुछ और बच्चे भी थे. और वहाँ पर एक उनमें से ही एक नटखट ऐसा लड़का था. So when one day when he was playing, he fell down and broke his hands. और एक बार जब वो खेल रहा था तो वो खेलते खेलते गिर पड़ा और उसका हाथ टूट गया. Then Jesus came to him, touched him, and healed him. और यीशु मसीह उसके पास आए, उसे छुआ और उसे चंगा किया. By hearing, he said, "These hands have to make grass for me." और जब वो प्रार्थना कर रहे थे, चंगाई दे रहे थे, तो वो कहने लगे कि यही हाथों के द्वारा क्रूस बनाया जाएगा. और वो जो लड़का था वो बहुत ही ज्यादा अचंभित हुआ कि तुरंत ही उसे चंगाई मिल गई. और वो अचंभित इसलिए भी हुआ कि उसके हाथों के द्वारा क्रूस बनाया जाएगा. और उसने ये निश्चय कर लिया कि वो यीशु के लिए क्रूस नहीं बनाएगा. और बहुत से साल बीतते गए और वो जो लड़का था वो बड़ा हुआ और बड़ा पुरुष बन गया. और उसने सुतार का जो उसका व्यवसाय था वो उसे छोड़ना चाहा. But he couldn't succeed. लेकिन उसमें वो सफल नहीं हुआ. Being a carpenter, he earned much less. और उसको सुतार होने के नाते उसे बहुत ही कम पैसा मिलता था. One day he heard Roman soldiers are paying more money for the crosses. और एक बार उसने ऐसा सुना कि जो रोमी के सैनिक थे उनके द्वारा ज्यादा पैसा दिया जाता था जो भी क्रूस बनाते थे उनके लिए. So he decided to make cross and sell it only after knowing for whom they are using it. तो उसने ये निश्चय किया कि वो क्रूस बनाएगा और वो उन्हें इसी इस पे देगा कि वो किसको चढ़ाने वाले हैं उसके उस आधार पर. So he began to make and sell crosses. तो इसीलिए वो क्रूस बनाने लगा और बेचने लगा. But one day he was very busy doing the work in his shop. और एक दिन वो अपनी दुकान में बहुत ही व्यस्त था काम करते हुए. Suddenly two Roman soldiers came and took a cross from his shop. और अचानक ही दो रोमी के सर जो सैनिक थे वो आए और उसने क्रूस खरीद लिया. Threw the money towards him and they were leaving in a hurry. और उसके तरफ उन्होंने पैसों को फेंका और वो जल्दबाजी में वहां से निकल कर जा रहे थे. और वो तुरंत ही वहां से उठ गया और भागकर उनसे पूछने लगा कि किसको वो क्रूस पर चढ़ाने वाले हैं. और वो जो सैनिक थे उसी समय तक वो अपने घोड़ों पर सवार हो गए और वो निकलने वाले थे. और उन्होंने पीछे मुड़कर कहा यीशु. This man stand and asked, which Jesus? और ये जो इंसान था वो बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हुआ और पूछा कौन सा यीशु. और उसके मन में ये शक था कि ये नाजरी के यीशु है या कोई और. Jesus is very holy. और वो जानता था कि यीशु मसीह बहुत ही पवित्र है. But the soldiers came going far away and they couldn't hear him. और ये जो सैनिक थे ये इस दौरान बहुत ही आगे निकल गए और इसे सुन भी नहीं पा रहे थे. So this man started running behind them. और ये जो मनुष्य था ये उनके पीछे दौड़ने लगा. And the way he encouraged people whom they are crucifying today. और लोगों से वो पूछताछ कर रहा था कि किसे वो आज क्रूस पर चढ़ाने वाले हैं. Someone said a thief and someone said a criminal. और कोई कहने लगा एक जो जिसने पाप किया है वो और दूसरा कहने लगा कि एक चोर. But he was consoling himself that Jesus can't be thief or criminal. और वो अपने आप को ही सहानुभूति दे रहा था कि यीशु मसीह तो चोर या फिर एक अपराधी नहीं हो सकते. So when he reached Pilate, he was told that King of Jews is being crucified. और फिर जब वो पिलातुस के महल में पहुंच जाता उसे पता चला कि यहूदियों का राजा क्रूसित होने वाला था. He became confused and decided to run to the place where they crucified people. और वो कोलाहल में आ गया और वो भागने लगा उस जगह पर जहां पर लोगों को क्रूसित किया जाता था. So when he came there, he saw Jesus already crucified on the cross, made for him between two thieves.
और जब वो वहां पर पहुंचा तो पहले से ही उसने देखा कि यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए थे और उनके अगल बगल में दो चोर भी थे। और जब उसने यीशु को देखा तो वो गिर पड़ा और रोने लगा और टूट टूट कर रोने लगा। और उसको जो पीड़ा हो रही थी और वो रो रहा था, वो उसे रो भी नहीं पा रहा था। Yes, my dear friends, like Jesus plans righteousness and blessings for us. हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, यीशु मसीह धार्मिकता हमारे लिए योजना करते हैं। But Satan plans things and curses for us. और जो शैतान है वो हमारे लिए वो योजना बनाता है पाप के लिए, मृत्यु के लिए। Our Lord knows our heart, our life, and Satan's plan also. और प्रभु यीशु मसीह हमारे दिल को और हमारे जीवन को जानते हैं और शैतान भी हमें जानता है। The Lord can predict when we will fall into. और प्रभु पहले से ही जान लेते हैं कि हम कब पाप में गिर सकते हैं। And so as our Lord Jesus prayed on the cross. और जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर से प्रार्थना की, Father, forgive them, for they know not what they do. पिता इन्हें क्षमा करना, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। People like that man received righteousness and blessing through the body of Jesus. और उस मनुष्य के अनुसार उसे जैसे क्षमा मिली और धार्मिकता मिली प्रभु यीशु मसीह के वजह से। His forgiveness of Jesus is so great to save wretched sinners like me from death and hell. और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह इतना महान है कि मेरे जैसे बदतर पापी को प्रभु ने बचा लिया पाप से और मौत से। No one can equal our Lord Jesus in any way. और किसी भी तरीके से कोई भी प्रभु यीशु मसीह की तुलना नहीं कर सकता। और वही हमारे प्रभु यीशु मसीह है और सिर्फ वही हमें पाप से बचा सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह उनके वचनों पर आशीष होंगे। अभी मैं आगे बुलाऊंगी भाई अब्राहम को कि हमें वो दूसरा परमेश्वर का वचन समझाएं। That Jesus spoke from the cross. जो यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर से कहे थे। Luke 23:34. लूका रचित सुसमाचार 23:34 वचन। I request you to store it in the place for it. Open the eyes so that we see the wonders in this world. प्रभु हमारी आंखों को खोलना ताकि हम अद्भुत चीजें इस वचनों में देख पाए। यीशु के नाम से आमीन। ये दूसरे वचन थे जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर से कहे थे। Luke 23:34 तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। जब यीशु मसीह क्रूसित हुए थे वो पूरी तरह से पीड़ा में थे और बहुत सी यातनाएं सह रहे थे। Under the great pain and suffering, the crucified people used to shout, scream and curse others. और जब लोगों को क्रूस पर चढ़ाया जाता था तो वो लोग जो चढ़ाए जाते थे वो बहुत ज्यादा तकलीफ और यातना सहते हुए वो श्राप देते थे, चिल्लाते थे और रोते थे। Especially they were crucified. और जो लोग क्रूस पर चढ़ाए जाते थे और जिन्हें वो चढ़ाते थे वो लोगों को वो श्राप देते थे। But our Lord Jesus was patiently enduring the pain and suffering. लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर सारी यातनाओं को धीरज के साथ सह रहे थे। Not only that, he was even praying to the Father
to forgive those who are responsible for his crucifixion. और इतना ही नहीं, वो क्रूस पर से पिता की ओर प्रार्थना कर रहे थे कि जिन लोगों ने उन्हें क्रूस पर चढ़ाया था उन्हें वो क्षमा कर दे। Sometimes when I spoke to people of other religion about Jesus, और कभी कभी जब हम दूसरे धर्म के लोगों को यीशु के बारे में बताते हैं, they reply that there is no forgiveness of sins in their religion. और वो लोग कहते हैं कि उनके धर्म में ऐसा कुछ भी नहीं होता कि पाप के लिए क्षमा की जाए। The false God they believe in has no power to forgive sins. और वो जो झूठे परमेश्वरों पर वो विश्वास करते हैं उनके पास कोई ताकत नहीं होती कि वो पापों को क्षमा करे। But First John 2:2 says, Jesus Christ, the righteous one, is the atoning sacrifice for our sins. लेकिन पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय दूसरा वचन कहता है और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। Yes, he not only for our sins he died, but also for the sins of the whole world. हाँ, सिर्फ हमारे ही पापों के लिए नहीं लेकिन सारे जगत के पापों के लिए यीशु मसीह मरे। Lord Jesus forgave the disciple Peter who denied him three times the previous night. और प्रभु यीशु मसीह ने उनके चेले यानी कि पतरस को क्षमा कर दिया जिसने उनका इनकार किया तीन बार पिछली ही रात। Jesus knew who will deny him and who will betray him before and only. और यीशु मसीह को पहले से ही पता था कि कौन उन्हें धोखा देगा और कौन उनका विश्वासघात करेगा। Peter got the wonderful revelation that Jesus is the Christ, the Son of the living God. और पतरस के पास बहुत ही बड़ा ऐसा प्रकटीकरण उसे मिला था कि यीशु मसीह ही मसीहा है और वही परमेश्वर के इकलौते पुत्र। He had so much faith that he walked on the sea with Jesus. और वो इतना ज्यादा आशीषित था कि वो यीशु मसीह के साथ समुद्र के ऊपर चला। Yes, Jesus predicted that Peter will deny him three times. और फिर भी यीशु मसीह को पहले से ही पता था कि पतरस उनका इनकार करेगा तीन बार। And when it happened, Peter remembered his words and wept bitterly. और जब ऐसा हुआ तो पतरस को प्रभु यीशु के वचन याद आए और वो बुरी तरह से रोने लगा। And he wept, he was forgiven by the Lord. और जब वो रोया तब प्रभु के द्वारा उसे क्षमा मिली। Once I read a story written by a believer. और एक बार मैंने कहानी पढ़ी थी एक विश्वासी के द्वारा लिखी हुई। और जब यीशु मसीह एक लड़के के रूप में बढ़ रहे थे और पड़ोस में ही कुछ और बच्चे भी थे और वहाँ पर एक उनमें से ही एक नटखट ऐसा लड़का था। So when he was playing, he fell down and broke his hands. और एक बार जब वो खेल रहा था तो वो खेलते खेलते गिर पड़ा और उसका हाथ टूट गया। Then Jesus came to him, touched him, and healed him. और यीशु मसीह उसके पास आए, उसे छुआ और उसे चंगा किया। By healing, he said, "These hands have to make cross for me. These hands have to make cross for Jesus." और जब वो प्रार्थना कर रहे थे, चंगाई दे रहे थे, तो वो कहने लगे कि यही हाथों के द्वारा क्रूस बनाया जाएगा। और वो जो लड़का था वो बहुत ही ज्यादा अचंभित हुआ कि तुरंत ही उसे चंगाई मिल गई। और वो अचंभित इसलिए भी हुआ कि उसके हाथों के द्वारा क्रूस बनाया जाएगा। और उसने ये निश्चय कर लिया कि वो यीशु के लिए क्रूस नहीं बनाएगा। Years rolled away, that boy became a man. और बहुत से साल बीतते गए और वो जो लड़का था वो बड़ा हुआ और बड़ा पुरुष बन गया। Actually, he tried to change his job from being a carpenter. और उसने सुतार का जो उसका व्यवसाय था वो उसे छोड़ना चाहा। But he couldn't succeed. लेकिन उसमें वो सफल नहीं हुआ। Being a carpenter, he earned much less. और उसको सुतार होने के नाते उसे बहुत ही कम पैसा मिलता था। One day he heard Roman soldiers are paying more money for the crosses. और एक बार उसने ऐसा सुना कि जो रोमी के सैनिक थे उनके द्वारा ज्यादा पैसा दिया जाता था जो भी क्रूस बनाते थे उनके लिए। So he decided to make cross
and sell it only after knowing for whom they are using it. तो उसने ये निश्चय किया कि वो क्रूस बनाएगा और वो उन्हें इसी इस पे देगा कि वो किसको चढ़ाने वाले हैं उसके उस आधार पर. So he began to make and sell crosses. तो इसलिए वो क्रूस बनाने लगा और बेचने लगा. But one day he was very busy doing the work in his shop. और एक दिन वो अपनी दुकान में बहुत ही व्यस्त था काम करते हुए. Suddenly two Roman soldiers came and took a cross from his shop. और अचानक ही दो रोमी के सर जो सैनिक थे वो आए और उसने क्रूस खरीद लिया. Threw the money towards him and they were leaving in hurry. और उसके तरफ उन्होंने पैसों को फेंका और वो जल्दबाजी में वहां से निकल कर जा रहे थे. He quickly got up, went out and asked who they are going to crucify. और वो तुरंत ही वहां से उठ गया और भागकर उनसे पूछने लगा कि किसको वो क्रूस पर चढ़ाने वाले हैं. The soldiers by this time mounted on the cross and they were moving away. और वो जो सैनिक थे उसी समय तक वो अपने घोड़ों पर सवार हो गए और वो निकलने वाले थे. They turned back and said, Jesus. और उन्होंने पीछे मुड़कर कहा यीशु. This man was stand and asked, which Jesus? और ये जो इंसान था वो बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हुआ और पूछा कौन सा यीशु. और उसके मन में ये शक था कि ये नासरी के यीशु है या कोई और. Jesus is very holy. और वो जानता था कि यीशु मसीह बहुत ही पवित्र है. But the soldiers had gone far away and they couldn't hear him. और ये जो सैनिक थे ये इस दौरान बहुत ही आगे निकल गए और इसे सुन भी नहीं पा रहे थे. So this man started running behind them. और ये जो मनुष्य था ये उनके पीछे दौड़ने लगा. And the way he entered people whom they are crucifying today. और लोगों से वो पूछताछ कर रहा था कि किसे वो आज क्रूस पर चढ़ाने वाले हैं. Someone said a thief and someone said a criminal. और कोई कहने लगा एक जो जिसने पाप किया है वो और दूसरा कहने लगा कि एक चोर. But he was consoling himself that he is a thief or criminal. और वो अपने आप को ही सहानुभूति दे रहा था कि यीशु मसीह तो चोर या फिर एक अपराधी नहीं हो सकते. So when he reached Pilate, he was told that King of Jews is being crucified. और फिर जब वो पिलातुस के महल में पहुंच जाता उसे पता चला कि यहूदियों का राजा क्रूसित होने वाला था. He became confused and decided to run to the place where they crucified people. और वो कोलाहल में आ गया और वो भागने लगा उस जगह पर जहाँ पर लोगों को क्रूसित किया जाता था. So when he came there, he saw Jesus already crucified on the cross made for him between two thieves. और जब वो वहां पर पहुंचा तो पहले से ही उसने देखा कि यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए थे और उनके अगल बगल में दो चोर भी थे. और जब उसने यीशु को देखा तो वो गिर पड़ा और रोने लगा और टूट टूट कर रोने लगा. और उसको जो पीड़ा हो रही थी और वो रो रहा था उसे रो भी नहीं पा रहा था. Like Jesus plans righteousness and blessings for us. हाँ मेरे प्यारे दोस्तों यीशु मसीह धार्मिकता हमारे लिए योजना करते हैं. But Satan plans things and curses for us. और जो शैतान है वो हमारे लिए वो योजना बनाता है पाप के लिए मृत्यु के लिए. Our Lord knows our heart, our life, and Satan's plan also. और प्रभु यीशु मसीह हमारे दिल को और हमारे जीवन को जानते हैं और शैतान भी हमें जानता है. The Lord can predict when we will fall into. और प्रभु पहले से ही जान लेते हैं कि हम कब पाप में गिर सकते हैं. And so as our Lord Jesus prayed on the cross. और जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर से प्रार्थना की. Father, forgive them, for they know not what they do. पिता इन्हें क्षमा करना ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं. People like that man received righteousness and blessing through the pardon of Jesus. और उस मनुष्य के अनुसार उसे जैसे क्षमा मिली और धार्मिकता मिली प्रभु यीशु मसीह के वजह से. This forgiveness of Jesus is so great to save such a sinner like me from death and hell. और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह इतना महान है कि मेरे जैसे बदतर पापी को प्रभु ने बचा लिया पाप से और मौत से. No one can equal our Lord Jesus in any way. और किसी भी तरीके से कोई भी प्रभु यीशु मसीह की तुलना नहीं कर सकता. He alone is our Lord Jesus. He alone can save us
और वही हमारे प्रभु यीशु मसीह है और सिर्फ वही हमें पाप से बचा सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह उनके वचनों पर आशीष देंगे।